अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करनी है जो कि एक्सरसाइज 4.6 है, और इसके बाद फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी करा दूंगी और ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ अ कार ट्रेवल 283 होल 1/2 किलोमीटर इन 4 होल 2/3 आवर्स, हाउ फार डज इट गो इन 1 आवर। ठीक है, तो अब पहले हम क्या लिखेंगे इस एक्सरसाइज को। कार ट्रेवल इन कितना उसमें किया है, ट्रेवल इन एक्सरसाइज है जी, ये कौन सा यूनिट नंबर था, यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 और लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.6 पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 1। ट्रैवल अ कार ट्रैवल इन 4 होल 2/3 आवर्स, 283 होल 1/2 किलोमीटर। अच्छा जी, और हमने फाइंड करना है ट्रैवल इन 1 आवर के लिए, तो 283 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4 होल 2/3। अब इसको पहले हम चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 283 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 6 1 carry और 2 1s 2 2s are 4 और 1 5, 566 और इसमें 1 प्लस करें तो क्या बनेगा, ये 567 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 4 3s are 12 प्लस 2 14 बाय 3। अब डिवीजन में हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको पहले किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 3 बाय 14 हो जाएगा। अब कटिंग देखें, 7 के टेबल से 7 2s are 14, 7 8s are 56 और 7 1s are 7, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये 3 1s are 3, 3 8s are 24। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इधर ही, 4 8s are 32 ज़्यादा हो जाता है, 4 6s are 24 और यहाँ पे बल्कि 4 6s are 240 कर लेते हैं ना, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, 60 होल 3/4। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉयज एक्सरसाइज फॉर अ टोटल ऑफ 5 होल 1/3 आवर ओवर 4 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स ही एक्सरसाइज ईच डे। तो एक्सरसाइज इन 4 डेज, फाइव होल 1/3 आवर और 1 डे के लिए करेंगे, तो हम इसको वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 5 3s are 15 और 1 16 बाय 3, तभी एन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हुआ और ये 1/4 हो गया, 4 4s are 16 और 4/3, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 होल 1/3 आवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ऑफ 8 रिबन कॉस्ट ₹360 होल 1/5, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 रिबन। तो पहले हम 8 रिबन कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 रिबन
8 रिबन्स 360 होल बाय 1/5, और 1 रिबन के लिए जब फाइंड करेंगे थ्री सिक्सटी 1/5 डिवाइडेड बाय 8, और ये चेंज होगा इसमें 500, 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 3 are 15 18, 1801 डिवाइडेड बाय 5, और ये मल्टीप्लिकेशन में 1/8 होगा। अच्छा जी, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1801 डिवाइडेड बाय 5 8 are 40, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 45 होल 1/40 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू गर्ल्स ईट 10/11 ऑफ अ पिज़्ज़ा, व्हाट पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा डिड ईच गर्ल ईट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू गर्ल्स ईट पिज़्ज़ा, 10/11, क्वेश्चन नंबर 4, टू गर्ल्स ईट पिज़्ज़ा, कितना है 10/11, और वन गर्ल के लिए फाइंड करेंगे 10/11 और डिवाइडेड बाय कितनी गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स, तो 10/11 मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ 1/2 हो गया, 2 5 are 10, और 5/11 ऑफ पिज़्ज़ा। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक 6 whole 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर, वॉक करके आता है, और हाउ फार विल ही वॉक इन 3 whole 1/2 आवर, हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वॉक इन 1 आवर, 1 आवर के लिए कितना है 6 whole 1/3 किलोमीटर, और 3 whole 1/2 आवर के लिए फाइंड करना है, तो 6 whole 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3 whole 1/3, 6 3 are 18 और 1 19/3, 3 2 are 6 और 1 7/2, और अब इसकी कटिंग नहीं हो रही तो 19 7 3 7 9 are 63, 6 कैरी और ये 13, और 2 2 are 3 2 are, ये 3 है ये 2 है, 3 2 are 6, अब इसको 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 are 12, अगेन 6 2 are 12, 1 रिमाइंडर आ गया, तो 22 whole 1/6। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, इसके MCQs हैं ये बुक पर ही सॉल्व कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 3, अब 3 है ना तो 3 का मतलब 3/1, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये सेकंड ऑप्शन। द ओनली नंबर विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नंबर का रेसिप्रोकल लें तो वही नंबर रहता है, दैट्स नंबर इज 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये 2/3 / 1/5, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो फिर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 2/3, बल्कि यहीं देख लेते हैं, 2/3 है ना, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 1/5 है तो 5 हो गया, 5/1 हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट, और 1/6 है और यहाँ पे 1/24, कैसे हम यहाँ पे साइन क्या पुट करेंगे कि आंसर हमारे पास 4 आना चाहिए, तो देखें 1/6 जब हम डिवीजन सपोज कर लें कि हमारे पास डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन में तो हम सॉल्व नहीं करते, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 24 हो गया और 6 4 are 24, तो 4 इसका आंसर होगा। तो हमने सेंटर में कौन सा साइन पुट किया, प्लस माइनस डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।